अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वबरकातुहु। शेख, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत करीबी, ठीक है, वो असल में हसद रखते हैं हमसे बहुत, और इस दर्जे की हसद रखते हैं कि वो हम पे जो सहर होता है ना वो भी कराते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? जी जी। तो अब उनके यहाँ से खाना वगैरह आता है तो हम खाते नहीं है उसको, किसी गरीब को दे देते हैं, तो क्या ये हमारा अमल ठीक है? जी शेख, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई सहर करवाता है तो जादू, जी तो हाँ, जिसको अपने यहाँ हिंदुस्तान में आमतौर से कहते हैं दुआ करा दिया, तावीज करा दिया, वो असल दुआ तावीज नहीं है, वो दुआ तावीज नहीं है, वो जादू है। और जादू जादू ये कुफ्र है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत वाज़े अंदाज में समझ लेना चाहिए कि जादू ये कुफ्र है, और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादू का जिक्र कुफ्र के साथ किया है, वो कुफ्र है और ये कबीरा गुनाह है। और जादू जो करता है, जादूगर की सजा इस्लामी शरीयत में कत्ल है। आप तसव्वुर कीजिए ये कितना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा हमारी शरीयत के एतबार से अगर दी जाए तो उसकी सजा कत्ल है, जादूगर की सजा। तो ये जो लोग दुआड़ी होते हैं, तावीज बनाते हैं, वो दुआ नहीं है, वो जादू है, और ऐसे लोगों की सजा कत्ल है। अगर इस्लामी निजामे हुकूमत होती और ऐसे लोग पकड़े जाते तो उनको कत्ल किया जाता, ये इतनी बड़ी सजा है। तो उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो कुफ्र कर रहे हैं। और आप ये भी याद रखें कि ये जादू शैतानों की मदद के बगैर नहीं हो सकता, इसमें दरअसल वो शैतानों से मदद लेते हैं, और ऐसे ऐसे शैतानी आमाल होते हैं कि एक आम मुसलमान को आप बताएं तो वो घिन महसूस करेगा वो किन किन आमाल से वो लोग गुजरते हैं। तो ये बहुत ही घिनावनी और बहुत कबीह हरकत है। ऐसा जो लोग करते हैं वो अपनी आखरत बर्बाद करते हैं। और जिसके ऊपर लोग जादू करते हैं वो किन हालात से गुजरता है, किन तकलीफों और किन मशक्कतों से गुजरता है, उसका वो अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी आकिबत खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जादू कर दिया है तो जादू का इलाज, पहली बात तो आप जादू से ना करवाएं, उस जादूगर से जाकर के आप उसका इलाज ना करवाएं। उसका इलाज किताब और सुन्नत में बताया गया है। आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी तसल्ली रखें और रुकिया शरिया के जरिया से आप उसका इलाज करें। आप ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें, फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप कुरान पढ़ें, जिक्र अजकार करें, सुबह शाम के अजकार पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा से ज्यादा आप याद करें, और साथ में आप रुकिया शरिया करें। आप अगर खुद कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे इंसान से, नेक सालेह आलिम दीन से आप रुकिया शरिया करवा सकते हैं। ये काम अगर आप मुसलसल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा जादू नहीं है जिसका तोड़ किताबो सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, आपको सब्र करना पड़े, लेकिन उसका तोड़ मौजूद है। और ये भी याद रखें कि अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है और आप इस आजमाइश में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह अगर आप सब्र करते हैं तो इस आजमाइश के बदले में और इस सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको आपके गुनाहों का कफारा बनाएगा। आप सब्र कीजिए और सब्र के साथ रुकिया कीजिए, आप इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे और इसके बदले में आपको अजर भी मिलेगा और आपके गुनाहों का ये कफारा होगा। लेकिन आखिरी बात ये कि बसा औकात कभी कभी इंसान को वसवसा भी हो जाता है कि फला इंसान मेरे ऊपर जादू करा रहा है, तो आप पहले तहकीक कर लें, जब आपको पक्का पता हो जाए तभी किसी को आप ऐसा कहें कि आप फला इंसान जादू करवा रहा है। अगर आपको शक है कि वो जादू करवा रहा है या जादू करवा के कोई चीज आपको खाने पीने के लिए दे रहा है तो आप मना कर दें। और अगर आप मुसलसल रुकिया शरिया करते हैं और इन दुआओं की पाबंदी करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका कोई असर नहीं होगा, और अगर असर है भी तो इंशाअल्लाह वो धीरे धीरे जायल हो जाएगा। शेख, वो मैं किसी को दिखाता तो नहीं हूँ, खुद ही करता हूँ अपने ऊपर, जो भी करता हूँ मैं अपने घर के ऊपर, अपने घर के अफराद के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन बात ये, मैंने अब मेरा सवाल ये था खाली कि वो खाने का क्या करें, मना भी नहीं कर सकते उनको।
लेकिन ये तो पक्का है, वाजे है कि वो इन चीजों में मुबतला है जो मैंने आपको बताया शहर में, और वो हमसे काफी हसद भी रखते हैं। अगर कोई खाने पीने की चीज दे आप उसको मत खाएं पिए, और किसी को दे भी ना, अगर आपको लगता है कि इसमें जादू किया हुआ है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं किसी को हाँ किसी और को भी ना देना फिर वो चीज, किसी को मत दें। जी 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 ठीक है, जजाकल्लाह खैर।